कि जब तक भूख लोग फैट लॉस में क्या होता है, लोगों को भूख लगती इसलिए वो खाते हैं, मेरा दिल नहीं भरता इसलिए मैं खाता हूँ भाई। वी आर नॉट द सेम ब्रो भाई। माफ करो पहले, लो आपकी सिकल। क्या हेलो सिकल? गाइस, हेलो गाइस, हेलो हेलो। तो ये देखो, दीपांशु ने अभी कहानी बताई कि कैसे इसने नई की नई केटीएम ड्यूक चुरा ली थी। मैंने चुराई है। तो किसने चुराई? बाइक मेरे पास ऐसी पड़ी है। ऐसे पड़ी है, वही तो चुरा चुरा के ना पड़ी है। और ये देखो सोम दादा को सुबह बुला लेते हैं, 5 मिनट बैडमिंटन खेलते हैं, फिर बात करना चालू कर देते हैं। ओ साला बॉट, बॉट आदमी। अरे हट, अरे तत तत। बोला तो सोसाइटी का राउंड मारेंगे, वो तो नहीं हुआ। हमारे यहाँ एक आ गया कुकर वाला, तो कुकर वाले सब कुकर ठीक करवाना है, तो कुकर लेके आया जाए। तो भाई पापा ने उसको कर दिया मना, क्यों? ये देखो एक सेफ्टी वॉल गायब है ना, ये पिछली बार आया तो उसने गायब कर दिया था, दूसरा लगा दिया था। मतलब कहता था अरे भैया ये कुकर ऐसे हिल रहा है। मैंने कहा भैया मूवमेंट नहीं होगी तो कुकर का ढक्कन खुलेगा कैसे, एकदम टाइट करके चला गया। फिर भाई जो रेट बताया भैया 500 रुपये, मैंने कहा इतने से का? अब वैसे ये भी इसने, पापा ने देखा कहा कि बेटा इसके वॉल वॉल ओरिजिनल नहीं, ओरिजिनल वॉल इस लगाएंगे, कहीं घर में फूट गया ना कुकर तो मज़ा ही आ जाएगी। ऐसे सोसाइटी में थोड़ा घर ढूंढ रहे हैं क्योंकि शिफ्ट करना है, तो अभी सोसाइटी के बाहर ही निकला है। तो पापा गए एटीएम कैश निकालनी होगा, मेरा तो फ़ोन पे चलता ही रहता है काम। तो मेरे मैंने एक भैया को थोड़ा पैसा दिया था बहुत दिन पहले, तो आज उनको ट्रांसफ़र करना, वो इतने दिन से दे ही नहीं रहे। मैंने कहा भैया आज किसी भी हाल में 2 घंटे में ट्रांसफ़र कर देना, समझे? बहुत दिन से पता नहीं लटका आ रहे थे, सोच रहे थे हम बेवकूफ़ हैं, लेकिन हम नहीं हैं, समझे क्या? अभी अब हेयर स्टाइल बताए, अभी बैठेगा तब सही होगा, क्योंकि अभी तो ऐसा लग रहा है कि छिले हुए अंडे जैसा हो गया है। तो भाई आपको लग रहा होगा हम खुश क्यों, क्योंकि हम अभी चौराहे से अपने घर तक गाड़ी चला के अप्रॉक्स 1 किलोमीटर, बहुत अच्छी गाड़ी चला लेते, एकदम गाड़ी सामने भी आ गई थी तो कट वट भी मार लेते हैं, बहुत अच्छी फीलिंग आ रही। अब चलो करते हैं नाश्ता, मेड माय डे। तो भाई पापा ने अभी कहा था कि बेटा जाओ मसाले वाला मठा लेके आओ, तो मसाले वाला नहीं मिला तो हम सिंपल वाला ले आए। तो सुमित भैया ने एक आइडिया दिया कि इसमें जल जीरा डाल के पियो तो अच्छा लगेगा, तो जल जीरा स्पेशली ये वाला उन्होंने दिया, कहा कि डाल के पी के देखना। अब देखते हैं क्या ये जल जीरा उस मसाले मठे का कंपेरिजन मतलब कंपेयर कर सकते हैं, हाँ कि ना, देखते हैं। तो भाई मैंने अभी देखा वीडियो कि कैसे आप 2 तरह के लोगों से दूर रहो, जो हमारे से मतलब रखते हैं सिर्फ इसलिए ताकि हमारा काम निकाल सके, तो उन्हें पहचाने कैसे? तो उन्हें पहचाने का आइडिया बहुत ही सिंपल है, इधर देखते हो इधर आके जाती इधर। तो वो आइडिया ये है, एक वो होते हैं जब आपको काम उन्हें पड़ता है ना तभी आपको फ़ोन करेंगे, और एक वो होते हैं जो आपसे बहुत अच्छा रिलेशन बिल्ड करेंगे, फिर आपकी जब उन्हें मदद चाहिए वो ले लेंगे, और आप कर भी दोगे आपको पता भी नहीं चलेगा, और बदले में आपको कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ आपका लॉस होगा। लेकिन कई दोस्त ऐसे रहते हैं जो आपकी मदद करते हैं, ठीक है? आप पहले करो, आप पहले मदद करो वो ठीक है, लेकिन अगली बार वो बंदा मदद ना करे फिर आप मदद करो वो गलत है, ठीक है? मदद करो, पहले आप करो, फिर वो करे ना करे वो उसकी मर्ज़ी, समझे? भाई हम लोग नहा चुके हैं और अभी बज रहे हैं शाम के 17:16, यानी कि 5:16। हम पता नहीं दोपहर में हम खा पी के सो गए थे, बहुत तेज़ नींद आ रही थी। एक बात हमें समझ में आई दोस्तों, जिसको जो है कम जो करना होता है ना वो तभी करता है। तो पापा को इतने साल से लोग बोलते हैं कि आप सर रेंट क्यों भर रहे हो, आप इससे अच्छा जो रेंट भर रहे हो उसमें थोड़ा और पैसा भरा के घर की EMI भर दो। तब तक पापा को नहीं लेना था, इसलिए वो कोई ना कोई बहाना बना देते थे। अब उन्हें जब लेना है तो खुद बोल रहे हैं कि अगर कोई सोसाइटी में रेंट से तो देख रहे हो तो ठीक है, अगर कोई घर मिल जाए तो वो भी देख लेना, उसकी वो डाउन पेमेंट हम इतनी कर देंगे और बाकी हम EMI भर देंगे। तो जिसको जब जो करना रहता है ना वो उसी टाइम ही करता है, ना उसके पहले ना उसके बाद। तो भाई हमने कुछ ऐसी गलतियां कर दी। देखो मेरे साथ क्या होता है कि जब तक भूख लोग फैट लॉस में क्या होता है, लोगों को भूख लगती इसलिए वो खाते हैं, मेरा दिल नहीं भरता इसलिए मैं खाता हूँ भाई। वी आर नॉट द सेम ब्रो भाई, मेरा बहुत चीज़ें अलग है, मैं अलग हूँ दुनिया से एकदम। आपका जब तक पेट नहीं भरता आप तब खाते हो, है ना, इसलिए आपको फैट लॉस नहीं होता। मेरे को भूख कम लगती है लेकिन मेरा जब तक दिल नहीं भर जाता तब तक मैं खाता हूँ, ऐसा बहुत कम लोगों के साथ होता है। तभी एक और वीडियो हम बैठे बैठे देख लिया, आज इंटरनेट मेरा कुछ ज़्यादा ही चल रहा है, 50% डेटा ख़त्म भी नहीं हुआ अभी, क्योंकि शायद मैंने वीडियो अपलोड नहीं की। तो भाई उसमें बताते हैं कि आप अपने ट्रॉली बैग में बैग वैग तो रख देते हो, उसने ट्रॉली बैग से बैग निकाला, एक वीडियो शूट करी कि आप अपने ट्रॉली बैग ट्रॉली में कभी भी अपना बैग मत छोड़ना, वापस रख दिया, फिर उसको बता दिया। भाई ये सही चीज़ है, आप अपने ऐसी कई चीज़ें हम करते हैं जो हम भूल जाते हैं, हमें लगता है हमारे पास ही तो है, फिर वो चोरी हो जाती है। उस दिन मैं कार के ऊपर ही फ़ोन रख के भूल आया, पर मेरी किस्मत इतनी अच्छी है फ़ोन मेरा साथ नहीं छोड़ रहा है,
वो वहीं रखा था 10 मिनट तक, जबकि वो मेरी रोबी नहीं थी, मैं वहाँ आगे सोसाइटी में कहीं छोड़ के आया था। इसे ध्यान रखा करो यार। तो भाई अभी बज रहे हैं रात के 11:52। अभी हम लोग, हमारे दो दोस्त लोग, हम लोग बात कर रहे थे ऑर्गेनिक फार्मिंग के, उसमें कितना स्कोप है, कि वेबसाइट्स में क्या है, बिजनेस करने में क्या है। हमारे एक दोस्त ने भी बिजनेस टाइप में कुछ खोला है। तो वही हम डिस्कस कर रहे थे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में ग्रोथ कितनी है, उसमें ग्रोथ और पोटेंशियल तो बहुत अच्छा है ऑर्गेनिक फार्मिंग में। आपका रेट भी कम होगा, आपको ज़मीन भी कम लगेगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा पैसा पेस्टिसाइड्स वगैरह में ही लगता है, जो आपको नहीं लगेगा, बस उसमें थोड़ा लॉन्ग टर्म है, टाइम टेकिंग है, और कुछ नहीं है। लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग की डिमांड और ऑर्गेनिक फूड की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, क्योंकि वो ज़्यादा न्यूट्रिशनस रहता है और ज़्यादा हेल्दी रहता है और ज़्यादा टेस्टफुल रहता है। देखते हैं क्या होता है। तो इसी के साथ दोस्तों आज का व्लॉग हम यहीं ख़त्म करते हैं। अब हम आपको मिलेंगे कल एक नए फ्रेश व्लॉग के साथ। कल पता क्या हो ना हो, और अभी भी हम लोग वही पिक्चर देख रहे हैं, मैं हूं ना, मतलब कल हो ना हो देखते तो थोड़ा राइम हो जाता। कोई बात नहीं दोस्तों, अब देखते हैं क्या होगा। मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ, एक नए एडवेंचर के साथ, क्योंकि पता नहीं कल क्या हो।